नमस्कार नमस्कार साथियों, अपना जो है कि यूनिट नंबर 11 है उसका जो अपने पास में पार्ट ए है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चल रहा था। आज का अपना उसका कौन सा क्लास है? चौथा क्लास है। आज की क्लास में अपन जो है कि अपने पास में जो आगे के जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। कल की क्लास में अपन ने इसके 20 क्वेश्चन देखे, आज की क्लास में अपने पास में आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको लेकर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में दो विभिन्न आवृत्तियों के प्रकाश जिनकी ऊर्जाएं क्रमशः अपने पास में 1 इलेक्ट्रोवोल्ट एवं 2.5 इलेक्ट्रोवोल्ट है, क्रमानुसार एक 0.5 इलेक्ट्रोवोल्ट कार्य फलन की धातु को प्रदीप्त करती है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम जो गतिज ऊर्जा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उनका अपने को रेशियो फाइंड करना है। सही है, तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में दो विभिन्न आवृत्तियाँ हैं, एक आवृत्ति अपने पास में है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, एक अपने पास में है 2.5 इलेक्ट्रोवोल्ट। दोनों के लिए कार्य फलन अपने को दे रखा है 0.5 इलेक्ट्रोवोल्ट। इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करना है, के मैक्सिमा का मान। सही है, आइंस्टीन उद्देश्य समीकरण अपने पास में क्या होता है, ई बराबर अपने पास में होता है फाई नोट प्लस के मैक्सिमा का स्क्वायर। सही है, यहाँ से अपने पास में पहले वाले के लिए ऊर्जा अपने पास में E1 बराबर, ये अपने पास में फाई नोट प्लस के मैक्सिमा। ऊर्जा E1 का मान अपने को दे रखा है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, E1 का मान है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल टू फाई नोट, कार्य फलन वर्क फंक्शन अपने को दे रखा है 0.5 इलेक्ट्रोवोल्ट प्लस ये अपने पास में है के मैक्सिमा। सही है, इसको के मैक्सिमा 1 मान लेते हैं, K1 मैक्सिमा, ये अपने पास में K1 मैक्सिमा। 0.5 इस तरफ जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रोवोल्ट माइनस का 0.5 इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल टू अपने पास में होगा K1 मैक्सिमा। तो यहाँ से अपने पास में 1 इलेक्ट्रोवोल्ट माइनस 0.5 इलेक्ट्रोवोल्ट, ये अपने पास में होगा 0.5 इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल टू अपने पास में होगा K1 मैक्सिमा। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सही है, पहले वाले के लिए आ गई अपने पास में अधिकतम काइनेटिक एनर्जी। सही है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगले वाले के लिए अपने पास में E2 बराबर, ये अपने पास में फाई नोट प्लस ये अपने पास में K2 मैक्सिमा। E2 का मान कितना है, ये अपने पास में है 2.5 इलेक्ट्रोवोल्ट। दूसरे वाले के लिए जो ऊर्जा है एनर्जी है वो है 2.5 इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल टू फाई नोट का मान 0.5, ये अपने पास में है 0.5 इलेक्ट्रोवोल्ट प्लस इधर अपने पास में है K2 मैक्सिमा। सही है, 0.5 उस तरफ जाएगा तो ये अपने पास में 0.5 इलेक्ट्रोवोल्ट माइनस का 0.5 इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल टू अपने पास में है K2 मैक्सिमा। 2.5 इलेक्ट्रोवोल्ट में से जाएगा 0.5 इलेक्ट्रोवोल्ट, इधर अपने पास में बचेगा 2 इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल टू, ये अपने पास में होगा K2 मैक्सिमा। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये अपने पास में है इक्वेशन नंबर सेकंड। गतिज ऊर्जाओं का अनुपात अपने को ज्ञात करना है, तो ये अपने पास में K1 मैक्सिमा, अनुपात अपने पास में K2 मैक्सिमा। K1 मैक्सिमा का जो वैल्यू है वो अपने पास में कितना है 0.5 इलेक्ट्रोवोल्ट, यह है 0.5 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन K2 मैक्सिमा, यह अपने पास में है 2 इलेक्ट्रोवोल्ट। सही है, इलेक्ट्रोवोल्ट से इलेक्ट्रोवोल्ट कटेगा, इधर अपने पास में कितना बचेगा, जो 5/ कोई नहीं ठेगा तो बचेगा 20, 5/20 का मतलब कितना हो गया 1/4। तो यहाँ से अपने पास में K1 मैक्सिमा अपॉन K2 मैक्सिमा यह बराबर होगा 1/4 के, यानी कि 1:4। K1 और K2 इनकी जो गतिज ऊर्जाएं होगी उनका अनुपात अपने पास में होगा 1:4। 1:4 कौन से में है, ये अपने पास में है सेकंड ऑप्शन में, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे हम बात करें एग्जांपल नंबर 2 की। इसमें अपने को दिया गया है कि 100 वाट शक्ति के बल्ब से प्रति सेकेंड 540 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के उत्सर्जित फोटोन की संख्या क्या होगी। फोटोन की संख्या यानी कि एन का मान ज्ञात करना है। सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में शक्ति P, पावर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, शक्ति P बराबर अपने पास में होता है NhC/λT, ये अपने पास में शक्ति के लिए फॉर्मूला होता है। सही है, तो यहाँ से देखना अपने पास में अपने को N का वैल्यू याद करना है। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है P का मान, शक्ति का मान अपने पास में है 100 वाट, H का मान फिक्स है, H का मान अपने पास में है 6.62 इंटू, क्वेश्चन में दे रखा है अपने को 6 × 10⁻¹⁴, तो एच का मान क्वेश्चन में गिवन है 6 × 10⁻¹⁴। सी अपने पास में वेलोसिटी ऑफ लाइट,
प्रकाश का वेग ये अपने पास में है 3 × 10⁸, ठीक है। लैम्डा अपने को वेवलेंथ दे रखा है, वेवलेंथ इज इक्वल टू अपने पास में है 540 नैनोमीटर, यानी 10⁻⁹ मीटर। जो समय टी है, प्रति सेकंड की बात कर रहा हूँ, प्रति सेकंड यानी समय टी इक्वल टू अपने पास में कितना है, 1 सेकंड है। ये सारी की सारी वैल्यू उठा यहाँ रखते हैं। अपने पास में जो अननोन है एन, एन का मान आ जाएगा, एन अपने पास में क्या है, फोटोनों की संख्या है। तो यहाँ से देखना अपने पास में पी का मान, पी का मान अपने पास में है 100 इक्वल टू एन, अपने को याद करना है, इंटू एच, एच का वैल्यू अपने पास में है 6 × 10⁻¹⁴, एंड सी का वैल्यू अपने पास में है 3 × 10⁸ अपॉन में अपने पास में लेमडा, लेमडा का वैल्यू अपने पास में कितना है, 540 × 10⁻⁹ इंटू टी इक्वल टू अपने पास में कितना है, 1 है। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, देखना अपने पास में ये 10⁻⁹ ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 9 और 8 17 सही है, और ये भी अपने पास में ऊपर जाएगा, 9 और 8 17, 17 में से एक जाएगा, 16 बचेगा, 16 और अपने पास में 34 कितना बचेगा, ये बचेगा अपने पास में 10⁻⁹, 16 और 34, 9 और 8 17, 17 − 1 16, 16 − 34 बचेगा अपने पास में 18 सही है, इंटू अपने पास में 3 × 6 = 18, या अपने पास में 3 × 6 गुणा अपने पास में एन, बटा इधर अपने पास में बचेगा 54 बराबर, इधर अपने पास में कितना है, ये 100 सही है। इधर अपने पास में एन का मान कितना होगा, देखना अपने पास में एन का मान, ये 6 से कटेगा, 6 × 9 = 54, ये 9 से कटेगा 3 बार, 18 × 6 = 18, 18 से कटेगा 3 बार, 8 × 3 = 54, ये अपने पास में हो जाएगा एन गुणा 10⁻⁹ बटा 3 बराबर अपने पास में 10⁻² लिख सकते हैं इसको, 10⁻². तो इधर अपने पास में एन बराबर कितना होगा, ये 3 इस तरह मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 3 × 10⁻² बटा 10⁻⁹, इसको लिख सकते हैं एन बराबर 3 × ये 10⁻১৮ ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 10⁻১৮ × 2 ये 10⁻২০, 3 × 10⁻২০ कौन सी ऑप्शन में आ रहा है, एन बराबर फोटोनों की संख्या, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 3। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, ये जो अपने पास में दोनों प्रॉब्लम है इनको बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को नोट डाउन करो, फिर अपन क्या करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें अपने को दिया गया है कि जब पराबैंगनी किरणें धातु प्लेट पर आपतित होती है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो नहीं होता है, यह निम्न पर आपतित होने पर उत्पन्न होगा, एक्स किरणों पर, रेडियो किरणों पर, अवरक्त किरणों पर, ग्रीन हाउस प्रभाव, सही है। तो देखना सोल्यूशन अपने पास में क्या होगा, जो अपने पास में पराबैंगनी किरणें हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो अपने पास में क्या है, एक्स किरणों से ज़्यादा है, सही है, अपने पास में वेवलेंथ है एक्स किरणों की, और अपने पास में वेवलेंथ है पराबैंगनी किरणों की, यूवी या पराबैंगनी, पराबैंगनी किरणों की, तो पराबैंगनी किरणों की वेवलेंथ ज़्यादा है, सही है। तो अगर इस पराबैंगनी किरणों की वेवलेंथ से कम वेवलेंथ का प्रकाश इस पर आपतित होगा तो धातु के परत से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा, सही है। तो अपने पास में जो है, जो पराबैंगनी किरणें हैं, जो एक्स किरणें हैं, उनकी वेवलेंथ क्या है, पराबैंगनी किरणों से कम है, जबकि रेडियो किरणें, अवरक्त किरणें और ग्रीन हाउस प्रभाव में जो तरंग धैर्य है वो अपने पास में जो है पराबैंगनी किरणों से ज़्यादा है, सही है। तो तरंग धैर्य का मान अगर अपने पास में पराबैंगनी किरणों से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, तो तरंग धैर्य अपने पास में एक्स किरणों के लिए पराबैंगनी किरणों की तरंग धैर्य क्या है, ज़्यादा है, एक्स किरणों की तरंग धैर्य कम है, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा और प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा, सही है। कौन से ऑप्शन में है, ये पहले ऑप्शन में है, सही है। अगर एक्स किरण इस पर आपतित होगी तो प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा, क्योंकि एक्स किरणों की जो तरंग धैर्य वेवलेंथ है वो अपने पास में पराबैंगनी किरणों की वेवलेंथ से क्या है, कम है, वेवलेंथ कम है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होगा, जनरेट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें अपने को दिया गया है कि विनोट दहली आवृत्ति की धातु प्लेट पर 4 विनोट आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो अपने को फाइंड करनी है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन अपने पास में क्या कहती है, ये कहती है ई बराबर फाई नोट प्लस अपने पास में होता है के मैक्सिमम, सही है। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति बोले तो न्यू नोट, न्यू नोट का मान अपने को दे रखा है वी नोट,
धातु की प्लेट पर 4V नोट आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है। ये न्यू बराबर अपने पास में है 4V नोट। अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्सिमा अपने को फाइंड करना है, के मैक्सिमा ही अपने को फाइंड करना है। तो देखना अपने पास में ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है एच न्यू बराबर फाइव बराबर एच न्यू नोट प्लस ये अपने पास में के मैक्सिमा, ये एच न्यू बराबर कितना है, न्यू बराबर है 4V नोट के, क्वेश्चन में गिवन है ये है 4V नोट के बराबर, ये एच न्यू नोट, न्यू नोट है अपने पास में है V नोट के बराबर, ये है V नोट के बराबर प्लस ये अपने पास में है के मैक्सिमा, इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये अपने पास में है 4HV नोट, ये माइनस का HV नोट इक्वल टू अपने पास में है के मैक्सिमा, तो यहाँ से 4 में से जाएगा अपन तो 3 बचेगा, ये बचेगा 3HV नोट इक्वल टू अपने पास में है के मैक्सिमा। तो अधिकतम जो गतिज ऊर्जा होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, वो अपने पास में होगी 3HV नोट के, 3HV नोट कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में पहले ही ऑप्शन में, तो जो पहला ऑप्शन है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें अपने को दिया गया है कि दो एक समान फोटो के थोड़ों पर F1 व F2 आवृत्ति के प्रकाश आपतित होते हैं, यदि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों का वेग V1 व V2 हो तो अपने को चेक करना है कि कौन सा रिलेशन सही है। सही है, दो एक समान फोटो कैथोड पर F1 और F2 आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, यदि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के वेग V1 और V2 हो तो देखना है कि कौन सा अपने पास में जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। सही है, तो देखना सॉल्यूशन की हम बात करें, प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है अपने पास में, E बराबर ये अपने पास में होता है फाइव नोट प्लस ये अपने पास में होता है के मैक्सिमा। सही है, यहाँ से E बराबर अपने पास में ये फाइव नोट प्लस के मैक्सिमा का मान 1/2 mV² मैक्सिमा। सही है, ई बराबर अपने पास में कितना होता है एच न्यू के, ई बराबर अपने पास में होता है एच न्यू बराबर ये अपने पास में फाइव नोट प्लस 1/2 mV² मैक्सिमा। सही है, क्वेश्चन में अपने को दे रखा है जो फोटो कैथोड है उनकी आवृत्ति दे रखी है एक की F1 एक की F2, तो आवृत्ति न्यू बराबर पहले के लिए कितनी है, यह है F1, दूसरे वाले के लिए आवृत्ति न्यू बराबर कितनी है, यह है F2। सही है, तो पहले वाले के लिए आवृत्ति न्यू बराबर F1, ये H, ये F1 बराबर ये इधर फाइव नोट प्लस ये अपने पास में 1/2 mV² मैक्सिमा, वेग कितना दे रखा है, वेग दे रखा है V1, तो ये अपने पास में V1 ये मान लेते हैं V1² मैक्सिमा, तो जो V1² मैक्सिमा है वो है V1 के बराबर, ये अपने पास में है V1² के बराबर। सही है, वेग दे रखा है अपने को V1, V1 का मान कितना दे रखा है, V दे रखा है, वेग V1 दे रखा है, तो V1 का स्क्वायर। सही है, ये अपने पास में हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरे वाले के लिए बात करें, दूसरे वाले के लिए आवृत्ति कितनी है F2, तो यहाँ से अपने पास में H, दूसरे वाले के लिए आवृत्ति F2 बराबर ये अपने पास में फाइव नोट प्लस 1/2 mV, दूसरे वाले के लिए वेग कितना है V2, तो ये अपने पास में V2 का स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सही है, अपने पास में समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 में से माइनस कर दो समीकरण 2 को, समीकरण 1 माइनस, तो देखना क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे एच बाहर आएगा, ये हो जाएगा अपने पास में F1 माइनस F2 बराबर, इसमें से इसको माइनस करेंगे फाइव नोट से फाइव नोट कटेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 1/2 mV बाहर आएगा, ये बचेगा V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, ये बचेगा अपने पास में। सही है, क्वेश्चन में अपने को रिलेशन चेक करना है V1 और V2 में, तो यहाँ से देखना ये 2 इस तरफ जाएगा बटा में है इधर गुणा में पहुँच जाएगा, तो 2HM इसके गुणा में है इसके बटा में चल जाएगा, ये अपने पास में F1 माइनस F2 ये बराबर होगा अपने पास में V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, 2H/M F1 माइनस F2 इक्वल टू होगा V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, कौन से ऑप्शन में है इसे? ऐसा अपने पास में है ऑप्शन नंबर 2 में, तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो अपने इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये होता है प्रकाश विद्युत समीकरण, पहले वाले के लिए आवृत्ति दे रखी है F1, दूसरे वाले के लिए आवृत्ति दे रखी है F2, तो F1 रख दिया एक बार, F2 रख दिया, पहले वाले के लिए वेग दे रखा है V1, दूसरे वाले के लिए वेग दे रखा है V2। सही है, तो वेग V1 वेग V2 का मान रख दिया, दोनों के लिए फाइव का मान सेम, फाइव से फाइव कट जाएगा, ये रिलेशन अपने पास में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। सही है,
आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6। जब किसी धात्विक पृष्ठ पर लेमडा तरंगधैर्य का विकिरण आपतित होता है तो निरोधी विभव अपने पास में 4.8 वोल्ट है। यदि वही पृष्ठ दोगुनी तरंगधैर्य के विकिरण से दीप्त हो तो निरोधी विभव 1.6 वोल्ट हो जाता है। तो पृष्ठ की दहली तरंगधैर्य अपने को याद करनी है। दहली तरंगधैर्य बोले तो लेमडा नोट का मान फाइंड करना है। तो देखना सोल्यूशन क्या होगा। यहाँ से अपने को दे रखा है तरंगधैर्य है धातु के पृष्ठ पर तरंगधैर्य लेमडा है, निरोधी विभव 4.8 वोल्ट है। तो अपने पास में क्या होता है समीकरण, ई बराबर अपने पास में होता है फाई नोट प्लस के मैक्सिमा। ई बराबर किसके होता है, ये होता है एच न्यू के। फाई नोट होता है एच न्यू नोट के प्लस के मैक्सिमा ये होता है ई वी नोट के बराबर। ई वी नोट के बराबर होता है। इधर से देखना अपने पास में ये एच ये इस तरफ आएगा तो यहाँ से अपने पास में कितना हो जाएगा, इसको लिख देंगे हम एच सी अपॉन लेमडा बराबर। इधर अपने पास में एच सी अपॉन लेमडा नोट बराबर अपने पास में ई वी नोट। ये इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, एच सी दोनों में से बाहर आएगा। इधर बचेगा वन अपॉन लेमडा माइनस का वन अपॉन लेमडा नोट बराबर अपने पास में है ई वी नोट। सही है, क्वेश्चन में अपने को दे रखा है पहले वाले के लिए तरंग धैर्य ये अपने पास में लेमडा, तो ये अपने पास में लेमडा। पहले वाले के लिए जो विभव है विभव का मान दे रखा है 4.8 वोल्ट, रख दें यहाँ पे। ये हो जाएगा एच सी, ये ई इसके बटा में आएगा ई, वन अपॉन लेमडा माइनस का वन अपॉन लेमडा नोट बराबर वी नोट। वी नोट का मान ये रहा 4.8 वोल्ट, 4.8 वोल्ट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सही है, दूसरे वाले के लिए क्या है, यदि वही प्रश्न दोगुनी तरंगधैर्य के विकिरण से दीप्त हो, अगर तरंगधैर्य ये लेमडा का मान अगर कर दिया 2 लेमडा तो देखना क्या होगा। इसी समीकरण में ये अपने पास में एच सी, अब की बार कर दिया लेमडा की जगह 2 लेमडा, 1 अपॉन 2 लेमडा माइनस का 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू ई वी नोट। ये अपने पास में ई इसके बटा में जाएगा ई, वी नोट, वी नोट का मान कितना है इसके लिए 1.6 वोल्ट, ये है 1.6 वोल्ट। ये हो गया समीकरण नंबर 2। सही है, इसी समीकरण में पहले तरंगधैर्य थी लेमडा, अब की बार इसकी तरंगधैर्य कितनी होगी 2 लेमडा। तो ये समीकरण बन गया, जब लेमडा थी तो निरोधी वो दे रखा है 4.8, जब तरंगधैर्य दुगुनी हो गई तो निरोधी वो 1.6 वोल्ट हो गया, 6 वाट हो गया। सही है, अब यहाँ से अपने को क्या याद करना है, दहली तरंगधैर्य लेमडा नोट का मान याद करना है। तो यहाँ से देखना समीकरण 1/2 से, 1 में 2 का भाग लगा देते हैं, तो देखना एच सी अपॉन इसे एच सी अपॉन की ई कटेगा। सही है, इधर ये 16 से कटेगा 3 बार, कितना बचेगा, ये बचेगा 1 अपॉन लेमडा माइनस का 1 अपॉन लेमडा नोट, ऊपर तो ये बचेगा, नीचे क्या बचेगा 1 अपॉन 2 लेमडा माइनस का 1 अपॉन लेमडा नोट बराबर। ये कटेगा इससे 3 बार, ये अपने पास में 3। सही है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो देखना कितना होगा, ये होगा 1 अपॉन लेमडा माइनस का 1 अपॉन लेमडा नोट, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। इधर बचेगा 1 अपॉन 2 लेमडा माइनस का 1 अपॉन लेमडा नोट, 1 अपॉन 2 लेमडा माइनस का 1 अपॉन लेमडा नोट। देखना अपने पास में क्या होगा, 1 अपॉन लेमडा माइनस का 1 अपॉन लेमडा नोट बराबर 3 अंदर जाएगा, ये हो जाएगा 3 बट्टा 2 लेमडा माइनस 3 अंदर जाएगा 3 बट्टा लेमडा नोट, लेमडा नोट को एक तरफ बाकी को एक तरफ। सही है, ये अपने पास में लेमडा वाला इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन लेमडा माइनस का 3 अपॉन 2 लेमडा बराबर। ये अपने पास में 3 अपॉन लेमडा नोट माइनस का, इधर प्लस का 1 अपॉन लेमडा नोट। सही है, ये लेमडा नोट इस तरफ आते प्लस का हो गया, ये 3 बाई 2 लेमडा इस तरफ आते माइनस का हो गया। सही है, यहाँ से लघुत्तम कितना आएगा, ये अपने पास में आएगा 2 लेमडा, लेमडा से लेमडा कटेगा 2 बचेगा 2 माइनस, इधर 2 लेमडा से 2 लेमडा कटेगा 3 बचेगा 2 माइनस 3 बराबर। इधर अपने पास में लेमडा नोट, लेमडा नोट से लेमडा नोट कटेगा ये बचेगा माइनस का 3 प्लस, लेमडा नोट से लेमडा नोट कटेगा ये बचेगा 1, ऊपर बचेगा अपने पास में माइनस का 1 बट्टा 2 लेमडा, इधर बचेगा अपने पास में माइनस का 2 बट्टा लेमडा नोट। सही है, माइनस से माइनस कटेगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा इधर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा लेमडा नोट बराबर 4 लेमडा, माइनस से माइनस कटेगा लेमडा नोट सिर्फ जाएगा 2 इधर गुणा होगा तो लेमडा नोट का मान होगा 4 लेमडा। जो दहली तरंगधैर्य होगी वो होगी अपने पास में 4 लेमडा के बराबर। 4 लेमडा कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है सेकंड ऑप्शन में, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। सही है, तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7।
इसमें अपने को दिया गया है कि धातुएं ए बी तथा सी के लिए कार्य फलन अपने को दे रखा है 1.92 इलेक्ट्रोवोल्ट, 2.0 इलेक्ट्रोवोल्ट तथा 5 इलेक्ट्रोवोल्ट है। आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार धातु को 4100 एंगस्ट्रॉम तरंग धीरे के विकिरण के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगी। तो अपने पास में चेक करना है कि ए बी सी में जो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, धातु को 4100 तरंग धीरे विकिरण के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगी धातु ए, धातु बी और धातु सी। किस धातु से अपने पास में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा? सही है, तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए अपने पास में क्या होगा? आपतित प्रकाश का वह मान या न्यूनतम आपतित प्रकाश का वह मान जिससे अपने पास में इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए? उत्सर्जन हो जाए। सही है, किसी पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए दहली आवृत्ति कहलाती है। सही है, तो वह न्यूनतम आवृत्ति याद करनी है कि इलेक्ट्रॉन अपने पास में पृष्ठ से बाहर निकल जाए। सही है, तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो यहाँ से अपने पास में तीनों के लिए कार्य फलन दे रखा है और तरंग धीरे का मान दे रखा है 4100 एंगस्ट्रॉम। सही है, तो इसके लिए अपने पास में ई का मान कितना होगा? ई बराबर अपने पास में कितना होता है? ई बराबर अपने पास में होता है एच न्यू की। तो ई बराबर ये एच न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा। तो अपने पास में ऊर्जा ई बराबर एच का मान फिक्स है 6.62 गुणा 10 की घात माइनस का 34। सी का मान फिक्स है 3 गुणा 10 की घात 8 बटा लैम्डा का मान ये दे रखा है क्वेश्चन में 4100 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की घात माइनस का 10। तो यहाँ से ई बराबर कितना हो गया देखना अपने पास में 10 की घात 10 ऊपर जाएगा ये जाएगा 10 की घात 24। ये दो जीरो कटेगा 6, 24 में से 6 जाएगा तो बचेगा 18। 10 की घात माइनस का अपने पास में बचेगा 18, 10 की घात माइनस का 18 गुणा इधर अपने पास में बचेगा 41। इधर अपने पास में 6, 6, 2 ये गुणा 3 अठेगा पॉइंट यहाँ से नीचे आएंगे अपने पास में 2 0 सो आ जाएगा गुणा इलेक्ट्रोवोल्ट में चेंज करना है इसको। इलेक्ट्रोवोल्ट में चेंज करने के लिए 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 से इसको गुणा कर देते हैं। यहाँ से अठेगा ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा 0, 10। तो देखना आप क्या होगा यहाँ से ई बराबर इसको सोल्व करते हैं। ये 10 की घात 19 ये कटेगा, इधर बचेगा 10 की घात माइनस का 1, 10 की घात माइनस का 1 ऊपर जाएगा 10 की घात हो जाएगा प्लस का 1। ये 100 ये 100 से 100 कटेगा। सही है, इधर कितना हो गया 10 की घात 17 हो गई, ये भी 10 की घात 17, 10 की घात माइनस का 17, 10 की घात माइनस का 17 कट जाएगा। क्या बचेगा केवल और केवल ये बचेगा अपने पास में 662 गुणा 3 बटा 16 चौका ये अपने पास में 64, 16 चौका 64, 16 एकम 16, 16 चौका 64 और 1 65, ये 65, 656 बचेगा। देखना यहाँ से कितना होगा, 3 से गुणा करते हैं इसको, 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 19, 1986 बटा 656, 6 से कटेगा ये 3 बार, ये कटेगा लगभग 3.01 इलेक्ट्रोवोल्ट। सही है, ऊर्जा का मान अपने पास में कितना होगा 3.01 इलेक्ट्रोवोल्ट। सही है, तो इस ऊर्जा से कम आवृत्ति जो अपने पास में ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा से कम दहली ऊर्जा किस किस की है? ये अपने पास में धातु ए और धातु बी की है। सही है, तो अपने पास में 3 इलेक्ट्रोवोल्ट का जब प्रकाश आपतित होगा तो अपने पास में जो फाई का मान है 1.92 इलेक्ट्रोवोल्ट और 2 इलेक्ट्रोवोल्ट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। लेकिन जो 5 इलेक्ट्रोवोल्ट कार्यफलन है उसमें अपने पास में कार्यफलन का मान ज़्यादा है, कार्यफलन का मान ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? उत्सर्जन नहीं होगा। तो अपने पास में केवल ए और बी जो धातु है वहीं से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। सही है, कार्यफलन का मान पहले के लिए है 1.92, दूसरे के लिए अपने पास में है 2 वोल्ट, जो इस अपने पास में ऊर्जा से क्या है? कम है। तो ऊर्जा से कम मान है अगर कार्यफलन का तो धातु के परस से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। सही है, 5 इलेक्ट्रोवोल्ट है वो अपने पास में इससे क्या है? ज़्यादा है। तो 5 इलेक्ट्रोवोल्ट कार्यफलन वाली जो धातु है उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। सही है, तो अपने पास में ए और बी जो धातु है वहीं से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो ऑप्शन नंबर अपने पास में जो थर्ड है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8। चांदी के लिए प्रकाश विद्युत दहली तरंग धैर्य अपने को दे रखी है तथा 2236 गुणा 10 की घात माइनस का 10 मीटर तरंग धैर्य के पराबैंगनी प्रकाश द्वारा चांदी के पृष्ठ पर निष्कासित इलेक्ट्रॉन का वेग होगा। इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना है। सही है, तो यहाँ से देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले अपने को दे रखा है दहली तरंग धैर्य, ये दे रखा है लैम्डा नोट का मान तथा 2236
गुणा 10 की घात 10 तरंग धीरे के पराबैंगनी प्रकाश द्वारा चांदी के पृष्ठ पर आपतित होती है। ये अपने को मान दे रखा है लेमडा का, सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना समीकरण क्या होगा, ये बराबर अपने पास में क्या होता है, ये होता है फाई नोट प्लस के मैक्सिमम, ये बराबर होता है एच न्यू के, ये होता है एच न्यू नोट के, और के मैक्सिमम होता है 1/2 mv². यहाँ से अपने पास में एच न्यू बराबर होता है सी बाई लेमडा, बराबर ये एच न्यू बराबर होता है सी बाई लेमडा नोट बराबर प्लस, ये इधर अपने पास में है 1/2 mv², ये इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, एच सी इसमें से बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 1/λ माइनस का 1/λ नोट बराबर 1/2 mv². यहाँ से वेग का मान चाहिए अपने को, इलेक्ट्रॉन का वेग 2 इस तरफ जाएगा, हो जाएगा 2hc, एम इसके अपोन में आ जाएगा, ये 1/λ माइनस का 1/λ नोट, ये बराबर होगा वी के, ये हो जाएगा √v² का, ये बनेगा फॉर्मूला, सही है। h का मान फिक्स है, c का मान फिक्स है, एम अपने पास में इसका मास हो गया 9.1 × 10⁻³⁶, लेमडा का मान क्वेश्चन में गिवन है, ये अपने पास में है 2056 2056 2536, और ये अपने पास में है 3250, सही है। ये वैल्यू उठा के रख देंगे और अपने पास में बी का मान आ जाएगा, सही है। तो देखना है यहाँ से, ये रूट का 2, एच का मान फिक्स है 6.62 × 10⁻³⁴, सी का मान फिक्स है 3 × 10⁸ बटा मास, ये अपने पास में है 9.1 × 10⁻³⁶, सही है। ये अपने पास में इलेक्ट्रॉन का मास, इसके अलावा अपने पास में 1/λ, लेमडा का मान तरंग धैर्य, ये रही तरंग धैर्य 256, ये है 256, 2536, ये माइनस लेमडा नोट अपने पास में है 1/3250, इसमें से बाहर आ जाएगा 1/10⁻⁰, दोनों में से बाहर ले लिया, ये इसका रूट, इसको सोल्व करेंगे ये बराबर है वी के, इसको गुणा भाग करके सोल्व करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, इसको गुणा भाग करके सोल्व करेंगे तो अपने पास में लगभग आएगा 6 के आसपास, 6 × 10⁵ m/s, जो ऑप्शन नंबर 1 होगा वो कहीं ना कहीं अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इसको गुणा भाग करेंगे, इसको गुणा भाग करने पर जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। गुणा भाग करके आप देख लोगे तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसमें मैच करेगा। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें अपने को दिया गया है कि एक छोटी वस्तु जो प्रारंभ में विराम अवस्था में है, प्रकाश की 100 नैनोसेकंड की एक स्पंद को पूर्णतया अवशोषित करती है, स्पंद की शक्ति अपने को दे रखी है 30 mW है, प्रकाश का वेग या प्रकाश की गति अपने को दे रखी है 3 × 10⁸ m/s, तो वस्तु का अंतिम संवेग फाइनल मोमेंट अपने को फाइंड करना है। तो अपने पास में देखना सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में शक्ति पी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, शक्ति पी बराबर अपने पास में होता है hc/λT, ये अपने पास में शक्ति के लिए फॉर्मूला होता है। संवेग बराबर अपने पास में कितना होता है, संवेग पी बराबर अपने पास में होता है h/λ, सही है। तो ये h/λ ये संवेग के बराबर होगा, तो ये अपने पास में शक्ति पी बराबर, ये शक्ति पी बराबर ये अपने पास में होगा पी संवेग इंटू ये अपने पास में c/T, ये होगा अपने पास में फॉर्मूला। तो यहाँ से देखना अपने पास में अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए संवेग, तो पी संवेग कितना होगा, पी संवेग बराबर ये अपने पास में कितना होगा, टी इस तरफ जाएगा, ये अपने पास में शक्ति पी इंटू ये अपने पास में t/c, ये बनेगा, सही है। इधर अपने पास में है पी संवेग बराबर शक्ति, शक्ति अपने पास में कितनी है, यह है 30 mW, शक्ति पी का मान दे रखा है क्वेश्चन में 30 mW, तो शक्ति पी बराबर 30 × 10⁻³⁃, तो यहाँ से पी बराबर 3 × 10⁻²⁪ ये होगा, उठा के यहाँ रखते हैं 3 × 10⁻²⁷ गुणा टी अपने को दे रखा है टी समय, टी अपने पास में है 1000 नैनो सेकंड यानी 10⁻⁹⁹ तो यहाँ से टी बराबर कितना होगा, ये 10⁻⁷ सेकंड, टी का मान कितना है, यह है 10⁻⁷। इसके अलावा अपने पास में बटा सी, सी अपने पास में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸, यह अपने पास में है 3 × 10⁸।
तो यहाँ से पी संवेग बराबर, संवेग में परिवर्तन जो होगा अंतिम संवेग भी अपने पास में होगा पी बराबर, तीन से तीन कटेगा ऊपर, सात और दो नौ, दस की घात माइनस का नौ बटा दस की घात आठ, तो यहाँ से पी संवेग कितना आ जाएगा, ये आठ ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, नौ और आठ कितना होगा एक गुणा दस की घात माइनस का सत्रह केजी पर सेकंड। कौन सी ऑप्शन में है, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड कौन सी ऑप्शन में है अपने पास में, एक गुणा दस की घात सत्रह, ये ऑप्शन नंबर दो में है, एक गुणा दस की घात माइनस का सत्रह ऑप्शन नंबर दो में है, तो ऑप्शन नंबर दो अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर दस, फोटोन टकराने के पश्चात प्रकाश इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने में लगा समय लगभग होगा, फोटोन टकराने के पश्चात जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन है इसके बाहर जाने में जो लगा समय होता है वो अपने पास में नैनो सेकंड के बराबर होता है, सही है, जो समय होगा वो अपने पास में लगभग होगा नैनो सेकंड के बराबर, नैनो सेकंड का मतलब 10 की घात माइनस 9 सेकंड के आसपास, कौन से ऑप्शन में है 10 की घात माइनस 9 सेकंड के आसपास, ये अपने पास में ऑप्शन नंबर एक में है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, सही है। फोटोन टकराने के पश्चात इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने में जो लगा समय होगा वो अपने पास में नैनो सेकंड के बराबर होगा, लगभग नैनो सेकंड के बराबर होगा, तो जो नैनो सेकंड है वो अपने पास में 10 की घात 9 के आसपास होता है, 10 की घात माइनस का 9, तो 10 की घात माइनस का 9 किसके आसपास है, ये 10 की घात 10 के आसपास हो जाएगा लगभग, तो जो ऑप्शन नंबर एक है वो अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो इन दोनों को क्या करो आप अपने कॉफ़ी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11, इसमें अपने को दिया गया है धात्विक सतह की डेली आवृत्ति 6.2 इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा के संगत है तथा सतह पर आपतित विकिरण के लिए निरोधी विभव 5 वोल्ट है, तब आपतित विकिरण होगी, आपतित विकिरण अपने को ज्ञात करना है, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें तो ऊर्जा E बराबर अपने पास में कितना होता है, ये होता है अपने पास में फाइव नोट प्लस ये अपने पास में के मैक्सिमा, सही है। तो E बराबर ये अपने पास में फाइव नोट प्लस के मैक्सिमा, के मैक्सिमा बराबर होता है ई वी नोट के, ई वी नोट के, तो यहाँ से E बराबर फाइव नोट दहली आवृत्ति 6.2 इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा के संगत है, यानी कि कार्य फलन का मान है 6.2 इलेक्ट्रोवोल्ट, ये अपने पास में है 6.2 इलेक्ट्रोवोल्ट प्लस ई और वी नोट निरोधी विभव, यह है 5V, यह अपने पास में है 5V, तो कितना हो गया ई बराबर 6.2 इलेक्ट्रोवोल्ट प्लस ये अपने पास में 5 इलेक्ट्रोवोल्ट, तो ई बराबर कितना हो गया 11.2 इलेक्ट्रोवोल्ट, सही है। अब इसके लिए अपने पास में जो आपतित विकिरण है वो अपने को चेक करना है, ई बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है एच न्यू, न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा, एच सी अपॉन लेमडा बराबर 11.2 इलेक्ट्रोवोल्ट, यहाँ से लेमडा बराबर कितना होगा, ये होगा एच सी अपॉन 11.2 इलेक्ट्रोवोल्ट, एच का मान फिक्स सी का मान फिक्स 6.62 गुणा 10 की घात माइनस का 34, सी का मान 3 गुणा 10 की घात 8 बटा 11.2 इलेक्ट्रोवोल्ट का मतलब 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19, तो यहाँ से लेमडा बराबर कितना होगा देखना अपने पास में, ये पॉइंट हटेगा यहाँ से, ये पॉइंट हटेगा यहाँ से और ये पॉइंट ऐसे हटेगा, सही है। ये अपने पास में 10 की घात 19 और 10 की घात 34, 10 की घात माइनस का 15 बचेगा, 15 में से जाएगा अपने पास में 8, 15 में से 8 जाएगा तो अपने पास में बचेगा 10 की घात माइनस का 7, सही है। इसके अलावा इसको 3 से गुणा करेंगे, ये अपने पास में जाएगा 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 और 1 × 19 बट्टा 16 से गुणा करेंगे 112 को, तो 16 × 2 = 32, 16 × 1 = 16 और 3 × 19, 16 × 1 = 16 और 1 ये अपने पास में 17, सही है। इसको ऊपर नीचे 10 की घात 3 से गुणा करवा देते हैं, ऊपर नीचे 10 की घात 3 से गुणा करवा देते हैं, ये 10 की घात 3 ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, ये 10 की घात माइनस का 10, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये अपने पास में हो जाएगा 19 86 और ये अपने पास में 3 0 बट्टा 17 92, सही है। ये अपने पास में कितनी बार कटेगा इससे, एक बार ये कटेगा इससे 11 बार लगभग, 11 बार, 11 यानी कि 1100 बार कटेगा लगभग, तो यहाँ से लेमडा का मान कितना होगा, यहाँ से लेमडा बराबर अपने पास में आ जाएगा, इसमें से कब आग देगी, ये अपने पास में गुणा 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम, इसमें इसका भाग देंगे लगभग ये कटेगा अपने पास में 1100 बार, 1100 और 10 की घात 10 का मतलब एंगस्ट्रॉम, तरंग देरी का मान आएगा अपने पास में 1100 एंगस्ट्रॉम,
इसको सोल्व करेंगे, लैम्डा का मान आएगा 1100 एंगस्ट्रॉम। अब 1100 एंगस्ट्रॉम अपने पास में किसके लिए होता है? तरंग धीरे का मान, तरंग धीरे का मान 1100 एंगस्ट्रॉम के आसपास ये अपने पास में होता है पराबैंगनी क्षेत्र के लिए। पराबैंगनी क्षेत्र के लिए जो तरंग धीरे होती है वो अपने पास में 1000 से 2000 की रेंज में होती है, सही है। तो ये 1100 है तो ये किसके आसपास है? ये पराबैंगनी जो अपने पास में क्षेत्र है उससे संबंधित होगा, आपतित विकिरण होगी वो पराबैंगनी क्षेत्र से संबंधित होगी, सही है। आगे अपने पास में है किसी पदार्थ से फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन हेतु दहलीय तरंग धैर्य 5200 एंगस्ट्रॉम है। निम्न में से किस स्रोत से उत्सर्जित एकवर्णीय विकिरण पदार्थ डालने पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, सही है। तो अपने पास में जो तरंग धैर्य दे रखी है लैम्डा का मान, दहलीय तरंग धैर्य है लैम्डा नोट, ये अपने को दे रखा है 5200 एंगस्ट्रॉम, यह है 5200 एंगस्ट्रॉम। निम्न में से किस स्रोत से उत्सर्जित एकवर्णीय विकिरण पदार्थ डालने पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, यानी कि इसमें से कौन सा पदार्थ डाला जाए कि फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो, सही है। तो अपने पास में जो 5200 एंगस्ट्रॉम जो तरंग धैर्य है उससे कम तरंग धैर्य का पदार्थ इसमें डाला जाएगा तो अपने पास में क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो अपने पास में जो अवरक्त तरंगे होती है उनके लिए जो तरंग धैर्य होती है अवरक्त तरंगों के लिए, ये अपने पास में 8000 के आसपास होती है। जो अवरक्त तरंगे हैं उनके लिए अपने पास में लैम्डा का मान होता है 8000 के आसपास, तो ये तो अपने पास में 8000 5200 से ज़्यादा है। तो 50 वाट के अवरक्त, 50 वाट का अवरक्त बल्ब, तो इसके लिए तरंग धैर्य का मान ज़्यादा है, ये अपने पास में है 8000 के आसपास। इसके अलावा अपने पास में 50 वाट का 10 वाट का अवरक्त बल्ब, अवरक्त जो है बल्ब उसके लिए भी तरंग धैर्य का मान 8000 के आसपास है, इसमें भी अवरक्त आ रहा है, इसके लिए भी अपने पास में तरंग धैर्य का मान 8000 के आसपास है। लेकिन जो अपने पास में पराबैंगनी है, पराबैंगनी तरंगे उनके लिए जो लैम्डा तरंग धैर्य होता है वो अपने पास में कितना होता है? वो अपने पास में 1000 से 2000 की रेंज में होता है, तो ये अपने पास में 1500 या 2000 के आसपास इस रेंज में होता है। तो ये जो तरंग धैर्य है ये अपने पास में जो 5200 से कम है, 5200 से कम है तो अपने पास में क्या होगा? 1 वाट का अवरक्त बल्ब इसमें डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? उत्सर्जन होगा, सही है। 1 वाट का अवरक्त बल्ब, जब 1 वाट का पराबैंगनी बल्ब डालेंगे, क्योंकि पराबैंगनी जो तरंगे है उसकी तरंग धैर्य का मान 5200 एंगस्ट्रॉम से कम है, तो 50 वाट का पराबैंगनी बल्ब जब इसमें डालेंगे तो अपने पास में क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, सही है। तो तरंग धैर्य का मान जिसके लिए 5200 से कम है वो इसमें डालेंगे तो उसके लिए क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो अपने पास में जो पराबैंगनी बल्ब है उसके लिए जो तरंग धैर्य लैम्डा है वो अपने पास में 1000 से 2000 की रेंज में होता है, तो अपने पास में क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा पराबैंगनी बल्ब के लिए, ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा, सही है। तो इन दोनों को क्या करो, आप अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13, इसमें दिया गया है तापमान टी पर उष्मीय साम्य अवस्था में न्यूट्रॉनों की डी ब्रोगली तरंग धीरे क्या होगी, सही है। तो न्यूट्रॉनों के लिए अपने पास में डी ब्रोगली तरंग धीरे का मान कितना होता है? लैम्डा न्यूट्रॉनों के लिए अपने पास में जो डी ब्रोगली तरंग धीरे होती है वो अपने पास में होती है 30.8 रूट का टी एंगस्ट्रॉम। कौन से ऑप्शन में है ऐसा? ये अपने पास में है चौथे ऑप्शन में, तो चौथा ऑप्शन अपने इसके लिए क्रिएट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 14, एक समान ऊर्जा के प्रोटोन एवं अल्फा कण के डी ब्रोगली तरंग धैर्य का अनुपात क्या होगा, सही है। सॉल्यूशन की हम बात करें, समान ऊर्जा का अपने पास में एक प्रोटोन है और एक अल्फा कण है, इनकी डी ब्रोगली तरंग धैर्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो डी ब्रोगली तरंग धैर्य लैम्डा बराबर कितना होता है अपने पास में ऊर्जा की फॉर्म में? एच अपॉन रूट का 2 ME। ई का मान समान दे रखा है सबके लिए, दोनों के लिए। एच का मान फिक्स है, दो भी अपने पास में फिक्स है, तो यहाँ से अपने पास में लैम्डा समानुपाती होगा 1/√ME, सही है। पहले अपन बात करते हैं तरंग धैर्य लैम्डा प्रोटॉन के लिए, यह अपने पास में होता है 1/√ mass of proton, यह समीकरण नंबर 1, सही है। अपन बात करते हैं लैम्डा तरंग धैर्य अल्फा कण के लिए, तो ये 1/, यह अपने पास में मास ऑफ अल्फा कण, सही है। जो अल्फा कण होता है उसका मास किसके बराबर होता है? ये अपने पास में होता है रूट का, ये होता है 4 गुना मास ऑफ प्रोटॉन की। अल्फा कण होता है उसका जो मास होता है वो 4 गुना होता है मास ऑफ प्रोटॉन की, सही है। ये अपने पास में समीकरण नंबर 2, दोनों का अनुपात पूछा है, तो लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा, प्रोटॉन और अल्फा कण का अनुपात इसमें इसका भाग लगाएंगे तो ये अपने पास में 1/√ MP से 1/√ MP कटेगा, कितना बचेगा? ये बचेगा 1/1 ऊपर 2 नीचे 4 ऊपर 3 नीचे, ये अपने पास इसे हो जाएगा 1 ऊपर
ये अपने पास में सेकंड नीचे, फोर्थ ऊपर, चार एम पी रूट एंड थर्ड नीचे, ऐसे बनेगा। यहाँ से रूट का मास ऑफ प्रोटॉन, रूट का मास ऑफ प्रोटॉन कटेगा, लेमडा पी अपॉन लेमडा एल्फा बराबर, मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कटेगा, चार का रूट कितना होगा, चार का रूट होगा दो, ये बट्टा एक, अनुपात कितना हो गया, ये हो गया दो अनुपात एक। प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य और एल्फा कण की तरंग दैर्ध्य, इनका जो अनुपात होगा वो होगा दो अनुपात एक। दो अनुपात एक कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा है पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ये वैल्यू अपने को डायरेक्ट याद नहीं थी, सही है, बाकी ये फॉर्मूला अपने को याद होगा। तो यहाँ से दोनों के लिए का मान सेम, दो कॉन्स्टेंट, एच का मान भी सेम, तो लैम्डा समानुपाती होगा एम के, तो मास ऑफ प्रोटोन या मास ऑफ अल्फा कण, अल्फा कण का मास होता है चार गुना मास ऑफ प्रोटोन के, इन दोनों का भाग लगा देंगे समीकरण एक में दो का भाग लगाएंगे तो अपने पास में जाएगा दो अनुपात एक, पहले ऑप्शन में मैच करता है, सही है। दोनों को क्या कर लो, नोट कर लो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15, इसमें अपने को दिया गया है यदि कण समान वेग से गतिशील है तो अधिकतम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निम्न में से किसकी होगी, सही है। अगर वेग का मान समान है तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अपने को चेक करना है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर कितना होता है, ये होता है एच अपॉन पी, पी बराबर होता है एम पी के, तो यहाँ से लैम्डा बराबर होगा एच, पी बराबर होगा एम पी। एच का मान अपने पास में कॉन्स्टेंट है, एम अपने पास में क्या है, द्रव्यमान है, और वेग, वेग दोनों के लिए समान है, समान वेग दे रखा है, तो यहाँ से लैम्डा समानुपाती होगा वन अपॉन एम के, सही है। जिसका मास कम होगा उसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान ज़्यादा होगा, सही है। अधिकतम तरंग दैर्ध्य की बात करें तो जो बीटा कण है, बीटा कणों का अपने पास में मास कम होगा, बीटा कण के लिए एम का मान क्या होगा, कम होगा, तो यहाँ से लैम्डा का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो लैम्डा का मान किसके लिए ज़्यादा होगा, तरंग दैर्ध्य बीटा कणों के लिए होगा। बीटा कण कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में है तीसरे ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 16, यदि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक फोटोन समान तरंग दैर्ध्य की तरंगों के रूप में संचरित होते हैं, इसका अर्थ अपने पास में क्या होगा, उनकी ऊर्जा समान होगी, संवेग समान होगा, वेग समान होगा, कोणीय संवेग समान होगा, चेक करना अपने को। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा, लैम्डा बराबर अपने पास में कितना होता है एच अपॉन पी, तो यहाँ से लैम्डा समानुपाती कितना हो गया वन अपॉन पी, सही है। तो ये क्या बोल रहा है कि अपने पास में तरंगों के रूप में तरंग दैर्ध्य का मान दोनों के लिए समान है, अगर तरंग दैर्ध्य का मान समान है तो अपने पास में संवेग भी समान होगा, सही है। यदि कणों की अगर ये वाला वैल्यू दोनों के लिए समान है तो संवेग भी समान होगा, सही है। अगर लैम्डा का मान दोनों के लिए समान है तो पी का मान भी दोनों के लिए समान होगा। यदि कणों की तरंग दैर्ध्य समान हो तो संवेग भी समान होगा, सही है। तो अपने पास में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान तरंग दैर्ध्य की तरंगों के रूप में संचरित है तो उनके लिए संवेग भी क्या होगा, समान होगा। संवेग समान कौन से ऑप्शन में है, ये दूसरे ऑप्शन में है, सही है। दोनों के लिए लैम्डा का मान सेम होगा तो वन अपॉन पी, पी का मान भी सेम होगा। अगर तरंग दैर्ध्य समान तो अपने पास में संवेग भी समान, ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। इन दोनों को क्या करूँ, अपनी कॉपी में नोट करूँ। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 17, इसमें अपने को दिया गया है यदि अल्फा कण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक समान संवेग से गतिमान है तो उनकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा अल्फा, लैम्डा प्रोटॉन और लैम्डा इलेक्ट्रॉन आपस में संबंधित होंगे। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अपने को याद करनी है, सही है। तीनों के संवेग समान है तो सॉल्यूशन क्या होगा, तरंग दैर्ध्य लैम्डा समानुपाती होता है वन अपॉन पी के। अगर तरंग दैर्ध्य समान है तो उनके लिए अपने पास में संवेग का मान समान है, संवेग समान है तो अपने पास में तरंग दैर्ध्य भी समान होगी, सही है। संवेग अपने पास में तीनों के लिए क्या है, समान है, तीनों के लिए संवेग समान है तो तीनों के लिए तरंग दैर्ध्य का मान भी क्या होगा, समान होगा। इसके लिए संवेग जो होगा तो तरंग दैर्ध्य अपने पास में समान होगा, तरंग दैर्ध्य अपने पास में तीनों के लिए समान होगा, सही है। अगर अपने पास में संवेग पी अल्फा बराबर पी प्रोटॉन बराबर ये पी इलेक्ट्रॉन सभी के लिए संवेग समान है तो अपने पास में अल्फा पी अल्फा तरंग दैर्ध्य लैम्डा अल्फा लैम्डा प्रोटॉन और ये लैम्डा इलेक्ट्रॉन तीनों का मान क्या होगा, समान होगा। कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में, सही है। संवेग समान तो तरंग दैर्ध्य समान, सही है। तीनों के संवेग समान है तो तीनों के तरंग दैर्ध्य भी क्या होगी, समान होगी, ऑप्शन नंबर एक से हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 18, 2.25 × 10^8 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान
कण की डी ब्रोगली तरंग धैर्य फोटोन के तुल्य है, दोनों के तरंग धैर्य समान दे रखी है। कण की गतिज ऊर्जा एवं फोटोन की गतिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात करना है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन। कण की गतिज ऊर्जा, कण की गतिज ऊर्जा ये अपने पास में ई बराबर कितना होता है, 1/2 mv² होता है। कण की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² सही है। लेमडा बराबर कितना होता है, ये अपने पास में होता है h/p, पी बराबर होता है mv। सही है, यहाँ से m का मान निकाल सकते हैं। m का मान निकाल के यहाँ रख देंगे, देखना m का मान कितना होगा। यहाँ से, यहाँ से m बराबर अपने पास में होगा h/λ और ये v, h/λ v। m इस तरफ जाएगा, लेमडा इसके नीचे आएगा, तो h/λ v ये उठा के यहाँ रखते हैं। तो e बराबर 1/2 m का मान h/λ v और ये अपने पास में वी स्क्वायर, वी से वी कटेगा तो ई बराबर कितना बचेगा, 1/2 h/λ और ये वी। ये हो गया समीकरण नंबर 1। सही है, ये अपने पास में होगी कण की गति जुड़ जा, फोटोन की गति जुड़ जा, फोटोन की गति जुड़ जा। ये अपने पास में क्या होगी, फोटोन की गति जुड़ जा ई बराबर, ये अपने पास में होता है h nu, तो h nu बराबर होता है अपने पास में c/λ। सही है, दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखना, ये अपने पास में e कण की पार्टिकल की और ये e अपने पास में फोटोन p की, तो e कण अपॉन e फोटोन। ये अपने पास में गया e कण की, इनका अनुपात ज्ञात करना है, इसमें इसका भाग लगाएंगे। तो देखना h v/2λ, ये इसके बटा में उल्टा हो जाएगा, हो जाएगा λ/h और c, लेमडा से लेमडा कटेगा, इधर h से h कटेगा, क्या बचेगा अपने इसमें पास में, v/2c। सही है, वेग/2c, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखना वेग का मान, वेग का मान दे रखा है क्वेश्चन में, 2.25 × 10⁸ / 2 c का मान 3 × 10⁸। सही है, तो यहाँ से देखना कितना होगा, 10⁸ से 10⁸ कटेगा, ये हो जाएगा 3 × 6, ये हो जाएगा 225/3 × 6 पॉइंट कटेगा, नीचे आएगी 2 0, तो ये 6, ये 0 0, कितनी बार कटेगा, ये 25 से कटता है अपने पास में, ये 25 से कटता है, ये भी 25 से कटता है, 25 से कितनी बार करता है ये अपने पास में, 8 बार, 9 बार करता है 25 से, ये 25 से करता है 9 बार, 25 × 225, ये 25 से कितनी बार करता है, ये अपने पास में करता है 24 बार। सही है, ये अपने पास में करता है 4 6 24 बार, 3 से करता ही है, 3 3 9 और 3 8 24, 3/8, 25 से कटेगा 9 बार, 25 से कटेगा 24 बार, 3 से कटेगा 3 3 9 और 3 8 24, तो 3/8, 3/8 कौन से ऑप्शन में, ये दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, ऐसे अपन याद कर लेंगे कण की गति जुड़ जा, इसको एच की फॉर्म में चेंज करेंगे इसके हिसाब से, एच सी की फॉर्म में, तो लेमडा का मान रखे इसको इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, फोटोन की गति जुड़ जा ई बराबर एच न्यू, न्यू बराबर c/λ, इसमें इसका भाग देंगे तो एच से एच कटेगा, लेमडा से लेमडा कटेगा, ऊपर बचेगा वी, नीचे बचेगा 2 और c, वी का मान क्वेश्चन में गिवन है, सी का मान फिक्स है, गुणा भाग करेंगे तो अनुपात आ जाएगा 3:8 दूसरे ऑप्शन में। सही है, इन दोनों को क्या करो, अपने कॉफ़ी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 19, इसमें अपने को दिया गया है कि यदि 4 kW शक्ति का एक स्रोत 10⁻²० फोटोन प्रति सेकंड उत्पन्न करता है, तब विकिरण स्पेक्ट्रम के इस भाग का संदस्त होगा। अपने को चेक करना है कि जो विकिरण स्पेक्ट्रम होगा वो अपने पास में किस प्रकार का होगा, वो अपने पास में गामा किरणें होगी, अक्ष किरणें होगी, पराबैंगनी किरणें होगी, या अपने पास में सूक्ष्म तरंगे होगी। सही है, तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन की हम बात करें, क्वेश्चन में अपने को गिवन है शक्ति का मान, शक्ति P बराबर अपने को ये दिया गया है 4 kW, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं P बराबर 4 किलो का मतलब 10³ ये वाट, ये शक्ति का मान। इसके अलावा अपने को दे रखा है 10⁻²० फोटोन पर सेकेंड उत्पन्न करता है, यानी कि अपने पास में फोटोन की संख्या n/t, ये अपने को दे रखा है 10⁻²० फोटोन पर सेकंड क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो इसके लिए अपने को चेक करना है कि कौन सा स्पेक्ट्रम होगा,
यानी कि लेमडा तरंग धीरे का मान ज्ञात करना है। तरंग धीरे का मान ज्ञात कर लेंगे तो अपने पास में पता चल जाएगा कि ये अपने पास में कौन सा स्पेक्ट्रम है। सही है, तो यहाँ से देखना अपने पास में शक्ति पी बराबर क्या होता है, ये अपने पास में होता है ई अपॉन डी। एनर्जी पर यूनिट टाइम इच कैन ऑन हैज पावर। सही है, इधर अपने पास में पी बराबर ई किसके बराबर होता है, ई बराबर होता है एच न्यू के अपॉन टी। एन अपने पास में यहाँ क्या है, फोटोनों की संख्या है। सही है, तो यहाँ से पी बराबर कितना हो गया, ये एन एच। न्यू बराबर होता है सी अपॉन लेमडा ए टी। क्वेश्चन में अपने को गिवन है एन अपॉन टी का मान और पी का मान, लेमडा अपने को चाहिए। तरंग धीरे लेमडा स्थिर जाएगा, ये अपने पास में बचेगा एन एच अपॉन सी अपॉन ये पी और ये टी। यहाँ से लेमडा बराबर एन अपॉन टी, एन अपॉन टी का मान है 10^20, ये अपने पास में है 10^20 गुना एच फिक्स है 6.62 × 10^-34 इंटू सी का मान फिक्स है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10^8 अपॉन अपने पास में पावर पी। पी बराबर कितना है, ये अपने पास में है 4 × 10^3। तो यहाँ से लेमडा कितना आ गया अपने पास में, देखना अपने पास में 10^20 और 10^8 28, 28 में से जाएगा 34 तो बचेगा 10^-6। ये 6 ये 3 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 10^-9, 10^-9 बटा इधर ये 3 से गुणा होगा तो ये अपने पास में 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 = 19, ये 19.86 बट्टा अपने पास में है 4। ये 4 से कटेगा लगभग 5 बार, 4×5 = 20, तो यहाँ से लेमडा बराबर ये अपने पास में लगभग 5 बार कटेगा तो 5 × 10^-9। सही है, इसको ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं, ऊपर नीचे कर दिया 10 से गुणा, कितना बन जाएगा लेमडा बराबर, ये हो जाएगा 50 × 10^-10। सही है, तो यहाँ से लेमडा बराबर कितना हो गया, ये हो गया 50 एंगस्ट्रॉम। तरंग धीरे का मान आ गया 50 एंगस्ट्रॉम। तरंग धीरे का मान बहुत कम है 50 एंगस्ट्रॉम, सबसे कम तरंग धीरे अपने पास में 50 एंगस्ट्रॉम किसके लिए होता है, कौन सी किरणों के लिए होता है, जो अपने पास में अक्ष किरणें हैं उनके लिए तरंग धीरे का मान कम होता है 50 एंगस्ट्रॉम के आसपास। सही है, 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है अक्ष किरणों की तरंग धीरे, तो अक्ष किरणों की तरंग धीरे अपने पास में कितनी होती है, लेमडा बराबर 50 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो है अपने पास में अक्ष किरणों के अंतर्गत आएगा। सही है, पराबैंगनी किरणों के लिए क्या होता है अपने पास में तरंग धीरे लेमडा का मान, ये अपने पास में 1000 से 2000 के बीच में होता है। सही है, तो जो अपने पास में अक्ष किरण है अक्ष किरणों के लिए लेमडा का मान होता है 50 एंगस्ट्रॉम के आसपास, तो अक्ष किरण अपना इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 20, चक्रण क्वांटम संख्या +1 एंड -1/2 व्यक्त करती है। जो चक्रण क्वांटम संख्या है +1/2 और -1/2 किसको शो करती है, यह अपने पास में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को शो नहीं करती है, यह केवल घूर्णन की दिशा को शो करती है। जो चक्रण क्वांटम संख्या +1/2 और -1/2 है, यह अपने पास में केवल और केवल दिशा के घूर्णन को, सही है, किसी भी दिशा में घूर्णन को, दिशा में घूर्णन को शो करती है। सही है, ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट हो जाएगा। तो इन दोनों को क्या करो, आप अपनी कॉपी में नोट करो। तो सही है, आपने ये अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं, ताकि सब इस क्लास का क्या उठा सकें, बेनिफिट उठा सकें। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।